गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना वही चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा ये चैप्टर, अब जो पैसेज स्टार्ट होना है वो यहाँ से स्टार्ट होना है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ओके, जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था कि जो नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका के, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ द ब्लैक गवर्नमेंट। और इस एज अ प्रेजिडेंट बनने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी प्रॉब्लम फेस की। इवन देन 30 ईयर्स तक वो प्रिजन में भी रहे। ये कहिए कि जिस साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण से ब्लैक और वाइट पीपल में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इन सब चीज़ों से उभरने के लिए ही उन्होंने लगातार स्ट्रगल की। ओके, और जब एज अ प्रेजिडेंट वो उन्होंने प्लेज ली, शपथ ली, तो उस दौरान अपनी स्पीच में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी बच्चा जो है, बच्चे के अंदर अगर लव की फीलिंग्स हैं, लव की फीलिंग्स को हम अराउज कर सकते हैं, तो दैट मीन्स हेट्रेड की फीलिंग्स भी अराउज ही होती है। या फिर ये कहो कि अगर हेट्रेड की फीलिंग अराउज की जा रही है किसी बच्चे में, तो क्यों ना लव की फीलिंग अराउज की जाए, जगाई जाए। तो एक तरह से नेल्सन मंडेला ने सिंपथी, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, लव, इन सब का मैसेज देना चाहा है। ठीक है, मतलब पीसफुल नेचर का मैसेज देना चाहा है। ओके, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला ये बताएंगे कि हर इंसान की ना दो तरह की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब होता है दो। हर जिंदगी में हर पर्सन की जो है ना दो तरीके की ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेवारी। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला आता है, एक जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, दूसरी है उसके पेरेंट्स के लिए, नेक्स्ट है उसकी वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। और जो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ कौन सा पहलू आता है, कौन सी इस तरफ जिम्मेदारी आती है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इट मीन्स क्या है, जो उन्होंने जिम्मेदारी बताई है तो दे आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑफ हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। ओके, सेकेंड वन जो ऑब्लिगेशन आ रही है उसके अंदर आ रही है जिम्मेदारी अपने ही देश के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने देश के लिए। ओके, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। कहते कि अगर मैं सभ्य समाज की बात करूँ या इंसानियत वाली समाज की बात करूँ, सिविल का मतलब होता है सभ्य और ह्यूमन का मतलब होता है इंसानियत। अगर मैं इन समाज की बात करता हूँ तो हर जो इंसान है ना, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। हर इंसान इतना काबिल तो है कि अपनी ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। आप किस हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से भी और अपनी काबिलियत के हिसाब से भी। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, इच्छा। ओके, और एबिलिटीज होता है कोई भी काबिलियत। ठीक है, बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। पर अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश की बात की जाए तो ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो ब्लैक कम्युनिटी में पैदा हुआ है, ब्लैक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है Impossible for a man, उस इंसान के लिए असंभव है, of my birth, जो and color, जो मेरे ही रंग वाला है, काला। आपको पता हो तो जो नेल्सन मंडेला है वो भी ब्लैक कलर के ही, मतलब क्या कहते हैं, वाइट नहीं थे, वो भी ब्लैक में ही आते थे, ब्लैक पीपल में ही आया करते थे। टू फुलफिल, तो कहते कि ऐसे इंसान के लिए मुश्किल है कि वो दोनों की दोनों ऑब्लिगेशन अच्छे से निभा पाए। क्यों? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते कि साउथ अफ्रीका में ऐसा इंसान जिसका काला रंग है, इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, उसको सजा दी जाती है या उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, छोड़ना, अकेला, अकेलापन।
इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट. कहते साउथ अफ्रीका में एक ऐसा इंसान जो कोशिश करता है, ट्राइड का मतलब कोशिश करता है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की, वो भी अपने देश के लोगों के लिए पूरा करने के लिए, वो क्या है, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली. तो उसे कहीं ना कहीं अनदेखा करना पड़ेगा अपने परिवार को. उसके लिए मुश्किल है साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंसान को कि वो दोनों की दोनों जिम्मेवारी को निभा पाए. ठीक है, और उसको किस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है, वो फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट. और उसे इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि वो अपनी जिंदगी जो है अलग जिए. और किस तरीके से, अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन. एक इस तरीके का उसका अस्तित्व बन जाए. एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, ट्वीलाइट का मतलब होता है ना सुबह है ना रात है, बीच का समय. ठीक है, एक इस तरीके का अस्तित्व बन जाए जहाँ पर चुप्पी और विद्रोही माहौल है. विद्रोही बन जाता है वो इंसान जो साउथ अफ्रीका में हो, वो भी ब्लैक. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं, कहते शुरू में मैं ऐसा नहीं था कि अपनी फैमिली से ऊपर मैं अपने देश के लोगों को रखता हूँ. मतलब पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होती थी, अपने परिवार को संभालना. दोबारा से देखो, I did not in the beginning शुरुआत में चुनना, मैं शुरुआत में ऐसा चुनता था किस चीज़ को, टू प्लेस माय पीपल, कि मैं अपने लोगों को स्थान दूँ अबव माय फैमिली, अपने परिवार से ऊपर. अबव का मतलब होता है ऊपर. बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर ये बात भी सही है. कहते जब मैं अपने देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ, आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, मुझे रोक दिया जाता है. किस चीज़ के लिए, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना. Prevented from fulfilling my obligation. किस चीज़ के लिए रोक दिया जाता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँ, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में या एक पति के रूप में. तो मेन जो होल आइडिया इस पैसेज से निकल कर आ रहा है वो यही है कि जो साउथ अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक पीपल है ना, उसके लिए कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है टू टेक केयर ऑफ ऑल ट्विन ऑब्लिगेशंस. उसके लिए मुश्किल है कि वो इनकी केयर कर सके, संभाल सके दोनों की दोनों जिम्मेदारी को. क्यों, ठीक है. नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री. कहते मैं ऐसा आज़ादी की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री पैदा हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर हालात से, हर तरीके से मैं आज़ाद था. दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता हूँ समझता हूँ. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मेरे को इतनी आज़ादी थी कि मैं खेतों में अपनी माँ की झोपड़ी के पास आसानी से खेतों में घूम सकूँ. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और इस हिसाब से भी मैं फ्री था कि आराम से मैं तैर सकूँ जितनी भी नदियाँ चल रही हैं. दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गाँव के आस पास से निकलती थी. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और यहाँ तक कि मुझे इतनी भी आज़ादी थी कि मैं उनको पका सकूँ, रोस्ट कर सकूँ मिलीज को. मिलीज होता है मकई, ठीक है, कि मकई को मैं आराम से उसको पका सकूँ अंडर द स्टार्स, तारों की छाँव में, या जो स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले बुल्स हैं उन पर भी, ब्रॉड बैक, उनकी जो बैक है उस पर मैं बैठ के जा सकूँ. जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. सॉरी फॉर इट,
हमने किया था, बुर्ज तक हम पढ़ चुके थे. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कहते जब तक मैं अपने पापा की आज्ञा मानता था, या अबाइडेड बाय का मतलब होता है नियमों का पालन करता था. अबाइडेड बाय का मतलब होता है नियमों का पालन करना. ठीक है, का पालन. By the customs of my tribe, जब तक मैं अपनी जाति के रीति रिवाजों को मान रहा था, I was not troubled by the laws of man or God. तब तक मुझे कोई समस्या भी नहीं थी कि मैं कि एक इंसान ने क्या कानून बना रखे हैं या गॉड के क्या नियम कानून कायदे हैं. ठीक है, इट वॉज ओनली वैन, पर ऐसा तो तभी मेरे साथ हुआ, वैन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन. पर ये तो मेरे साथ तब हुआ, तब मैंने महसूस किया, जब मुझे पता लगा कि जो मेरा बचपन है, बॉय बचपन की जो मेरी आज़ादी थी, वो सिर्फ एक भ्रम था. इल्यूजन का मतलब भ्रम, एक छलावा था मेरे साथ, मतलब वो एक्चुअल में आज़ाद था ही नहीं, भ्रम. ठीक है, वेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, एज अ यंग मैन, एक नौजवान होने के नाते जब मैंने पाया, क्या, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैंने पाया कि मेरी खुद की आज़ादी ही मुझसे ले ली गई है, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तभी तो मेरे को उसकी भूख मेरे अंदर पैदा हुई जब मुझसे आज़ादी ले ली गई. एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ आज़ादी चाहता था सिर्फ अपने आप से. ठीक है, माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप से. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी होता है टेम्परेरी, थोड़े टाइम की आज़ादी, ट्रांजिटरी होता है थोड़े समय की, समय की आज़ादी. ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए ही चाहता था कि मेरे को रात को घूमने का की आज़ादी मिल जाए, या रीड व्हाट आई प्लीज मुझे, या इस चीज़ की आज़ादी मिल जाए कि मैं वो सब कुछ पढ़ सकूँ जो मैं चाहता हूँ, गो वेयर आई चूज, या मैं वहाँ जा सकूँ जरा जहाँ मेरा मन है. लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेकिन बाद में, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब तक मैं छोटा था तब तक मैं आज़ादी चाहता था सिर्फ अपने लिए, अपने लिए कि मुझे क्या पढ़ना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्या खाना पसंद है, इस तरीके से. लेकिन बाद में उसने, जब वो बड़ा हुआ, तो उसने क्या समझा, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, पर जब मैं नौजवान हुआ, बड़ा हुआ, अडल्ट हुआ जोहान्सबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैंने इच्छा रखी. यर्न्ड का मतलब होता है इच्छा रखना, एक मूलभूत, बेसिक, मूलभूत एंड सम्मानित आज़ादी को, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशनल. किस चीज़ की आज़ादी चाहिए थी, ताकि मेरे अंदर जो हुनर है, पोटेंशनल का मतलब मेरे अंदर जो हुनर है उसको मैं प्राप्त कर सकूँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, या मेरे को इस चीज़ की आज़ादी मिले कि मैं अपनी आजीविका कमा सकूँ, मैं शादी कर सकूँ, या हैविंग अ फैमिली, परिवार हो मेरा, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और ये आज़ादी जो है किसी भी तरीके से कानून कायदे में बंधी हुई ना हो. ठीक है, क्लियर होगी बात, आई होप ये इतना समझ में आ रहा होगा आपको. मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो छोटा था तब तक वो अपने हिस्से तक की आज़ादी चाहता था, घूमना फिरना, खाना सोना, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसने आज़ादी चाही अपने हुनर को निखारने की, कमाने की, शादी करने की, परिवार की, इस तरीके की. ठीक है, बट लेकिन देन आई स्लोली सो दैट, पर मैंने धीरे धीरे देखा, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं हैं. आई सो दैट, मैंने ये भी मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, और ये मेरी ही आज़ादी की बात नहीं कर रहा मैं इधर, दैट वॉज कर्टेल्ड, जो कम कर दी गई है. कर्टेल्ड का मतलब क्या है, कम करना, रिड्यूस करना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्टेल्ड का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. ठीक है, कि मेरी ही आज़ादी कम नहीं की है, बल्कि बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, हर एक की आज़ादी कम कर दी है. हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि कैसे दिखता था, हु लुक्ड
जैसे कि मुझे लगता था, बल्कि सबकी आजादी खत्म हो रही थी। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये चीज का मैंने तब एहसास किया जब मैंने ज्वाइन की क्या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, उस पार्टी का क्या नाम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज व्हेन, और ये तभी की बात है और उसी वक्त ही, व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और जो मेरी खुद की आजादी की जो भूख थी वो क्या बन गई, वो किसकी भूख बन गई आजादी की, मेरे देश के लोगों की। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कहते ये मेरी इच्छा थी। डिजायर का मतलब क्या है, एक इच्छा थी, इच्छा। इच्छा थी, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मैं अपने देश के लोगों की आज़ादी चाहता था, टू दे लिव देयर लाइफ्स, ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। कैसे, विद डिग्निटी। डिग्निटी होता है सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने क्या कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को भी दिशा दी है, बताया है। ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटनिंग। और इसी नहीं, ट्रांसफॉर्म बदल दिया है मुझे, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया क्या, अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और मेरे देश की आज़ादी की इच्छा ने ही, जो मैं एक डरपोक पर्सन, इंसान होता था, नौजवान होता था, फ्राइटन का मतलब डरपोक, नौजवान होता था, वो किस में बदल गया, एक मजबूत इंसान में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और मुझे किसमें, और किसमें बदल दिया, जो एक नियम कानून वाल को मानने वाला इंसान था, उसको बदल दिया एक अपराधी में, क्रिमिनल में। ओके, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बदल दिया एक ऐसे इंसान में जिसका ना कोई घर है, विदाउट अ होम। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जो जिसने इस चीज़ का जोर दिया कि हम ऐसी जिंदगी चाहिए, टू लिव लाइक अ मंक, कि कैसी जिंदगी चाहिए, कि वो एक सन्यासी बन जाए, साधु बन जाए। मंक का मतलब होता है साधु। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। कहते हैं ना ही मैं क्या कहते हैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा समर्पित करने वाला हूँ देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों की बजाय। ठीक है, बट आई फाउंड, पर मैंने ये ज़रूर पाया है, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। पर ये ज़रूर पाया है कि मैं थोड़ी और लिमिटेड फ्रीडम, गरीबों वाली आज़ादी को एन्जॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे खुद के देश के लोग भी जो है आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, कि किसी को आज़ादी ज़्यादा दे दो तो किसी को कम कर दो, भी नाप तोल के नहीं दी जा सकती। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहते जो आज़ादी की चेन है, अगर जो किसी के ऊपर है, मेरे पर्सन के ऊपर है, मेरे लोगों पर है, वही चेन जो है हर एक पर भी आज़ादी की होनी चाहिए। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और इन द सेम वे, जो फ्रीडम की चेन मेरे देश के सभी लोगों पर होगी, तो वही ऑटोमेटिकली वही फ्रीडम की चेन मुझ पर भी होगी। तो मतलब वो ये कह रहा है कि जो फ्रीडम भी है, आज़ादी भी है, अगर रिस्ट्रिक्टेड मैनर में मिल रही है, बंधी हुई मिल रही है, तो वो आज़ादी आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो सबको बराबर ही मिलनी चाहिए। आई न्यू दैट, मैं जानता था, द ओप्रेसर, ओप्रेसर होते हैं जो दबाने वाले होते हैं। ठीक है, जो अत्याचार करते हैं उसको कहते हैं ओप्रेसर, होता है जो अत्याचार करते हैं। करने वाला, ठीक है, मस्ट बी लिबरेटेड, कहते
कहते हैं कि वो, अब नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो अत्याचार करने वाला है ना उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए, लिबरेटेड का मतलब होता है आज़ादी, उसे भी आप आज़ादी मिलनी चाहिए जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस, उसी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे कि अत्याचार सहने वाले को मिलती है। ओप्रेस्ड का मतलब होता है अत्याचार सहने वाला। यहाँ पर ये समझ लिए, मान लीजिए दो इंसान है, एक अत्याचार करता है दूसरा अत्याचार सहन करता है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि देखो अत्याचार सहन करने वाले को तो आज़ादी दुनिया की नज़र में मिलती ही मिलती है, सारे ये चाहते हैं, पर जो अत्याचार कर रहा है ना उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। किससे आज़ादी? नफरत से आज़ादी मिले, जलन से आज़ादी मिले, गुस्से से आज़ादी मिले उसे, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कहते वो इंसान, टेक्स अवे होता है लेना, जो ले लेता है दूसरे इंसान की आज़ादी को वो तो कैदी है, किसका? नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइसिस। वो पर्सन तो बंधा हुआ है कहाँ, किसकी सलाखों के पीछे बंधा हुआ है? धारणाओं के पीछे, नफरत के पीछे। प्रिजुडाइज होता है नफरत। देखो प्रिजुडाइज का मतलब क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को नापसंद करना विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी कारण के, ठीक है। एंड नैरो माइंडेडनेस, कि ऐसा पर्सन जो अत्याचार करता है वो खुद ही ऐसी सलाखों में बंधा होता है जिसकी सोच छोटी है या जो किसी से नफरत करता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कहते मैं सही मायनों में फ्री नहीं होऊंगा अगर मैं किसी की आज़ादी ले लेता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से मैं आज़ाद नहीं हूँ जिस तरीके से मेरी आज़ादी मुझसे कोई ले ले, ठीक है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला अलाइक, दोनों ही एक तरह से आर रॉब्ड, लूटे हुए हैं। लूटे किस चीज़ के लिए? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिहाज से दोनों ही लूट चुके हैं, किस तरीके से? बर्बाद हो चुके हैं। अत्याचार करने वाला इसलिए इंसानियत भूल चुका है क्योंकि उसके अंदर नफरत भर चुकी है, ठीक है। और अत्याचार सहने वाला भी है, उसके अंदर भी इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है क्योंकि वो भी अब उसको क्या कहते हैं, नफरत की निगाह से देखता है जो अत्याचार करता है। तो एक तरह से दोनों में ही अब इंसानियत ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपनी इनोग्रेशन सेरेमनी में काफ़ी बढ़िया स्पीच दी थी, इवन देन काफ़ी इंस्पायरिंग स्पीच थी, बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है और चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है, नो डाउट। अगर कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।